हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर जो आपके फ़ोन में कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन आएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो आपके फ़ोन में कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्चिंग सेटिंग पे जाना है और सर्च करना है जीबोर्ड। तो सर्च करते ही जीबोर्ड सेटिंग्स ओपन ही आएगी और जो भी कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है तो कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको यहाँ से सर्च करना है स्टोरेज पे, फिर यहाँ से जाना है और कीबोर्ड डाटा को डिलीट कर देना है। और कीबोर्ड डाटा को डिलीट करते ही जो आपकी कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फ़ोन के आपके आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, आप देखते हैं, फिर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी तो कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है। ऐप सेटिंग्स पे जाते ही इसको ओपन कर लेंगे, फिर आपको जीबोर्ड सेटिंग पे जाना है। जीबोर्ड सेटिंग पे जाकर यहाँ से भी कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से कीबोर्ड डाटा को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से कीबोर्ड डाटा की जो सेटिंग्स है उसको हमने क्लियर कर दिया, क्लियर करते कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।